सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। मैंने स्विंग आर्ट के नाम से एक दूसरा चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उन्हें इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको डिजाइनर कुर्ती बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए हमें दो कलर चाहिए और आप दोनों कपड़े प्लेन भी रख सकते हैं, और जैसे देखिए मैंने लिए हुए हैं, एक प्रिंटेड भी रख सकते हैं और एक कपड़ा प्लेन भी रख सकते हैं। तो देखिए, जिस कपड़े में से हमें कुर्ती बनानी है वो कपड़ा हमें ज़्यादा चाहिए, और अगर देखिए जिस कपड़े में से आप कुर्ती बना रहे हैं और आपकी कुर्ती की लंबाई 35 या 36 इंच से ज़्यादा है तो आपको 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा चाहिए, और जिसका हम डिज़ाइन लगाएंगे वो कपड़ा कम भी चल जाएगा, आधा मीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा भी चल जाएगा। तो देखिए, इस कपड़े में से मुझे कुर्ती बनानी है और इसका डिज़ाइन लगाना है, और ये देखिए ये जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में से फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि चौड़ाई में से फोल्ड करके मेरी कुर्ती की चौड़ाई आराम से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आपको इस तरह से इसको लंबाई में इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हमें पीछे का हिस्सा निकालना है, तो मैं पीछे का हिस्सा पहले अलग कर दे रही हूँ। देखिए, ये मैंने पीछे का हिस्सा निकाला हुआ है, और आगे का हिस्सा हम जो उसकी लंबाई लेंगे वो इससे 11 इंच कम लेंगे, इसलिए मैंने पहले पीछे का हिस्सा निकाला है, क्योंकि आगे के हिस्से की हम जो लंबाई लेंगे वो इससे 11 इंच कम लेनी है। देखिए, ये इतना हिस्सा हमारा 11 इंच बैठता है, तो ये देखिए मैंने आगे का पीस यहाँ पर रखा हुआ है 11 इंच पर निशान लगा के, क्योंकि यहाँ पर हम अपना जो प्रिंटेड कपड़ा है डिज़ाइन वाला, यहाँ पर हम उसको जोड़ेंगे, और बाकी सारी लंबाई नीचे की, ये नीचे का पीस है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम इसको, मैं इसको जोड़ने के बाद आपको लंबाई और चौड़ाई मैंने किस तरह से ली है वो आपको मैं बताऊँगी। देखिए, जो हमें आगे कपड़ा जोड़ना है इसको भी मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है, और ये पीछे का पीस है, क्योंकि हमें देखिए इतनी लंबाई निकालनी है, 11 इंच हमारा ऊपर ये हिस्सा है, तो हम इसको इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा, ये देखिए, और इसको हम सीधा करके इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने ये जो पीस कटिंग किया हुआ था उसको मैंने आगे के हिस्से में जोड़ लिया है, और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई हम किस तरीके से लेते हैं। तो देखिए, जो हम कुर्ती की इसकी लंबाई लेते हैं, जितनी हमारी तैयार लंबाई है उससे कम हमें 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि अगर हम इस पर देखिए तुरपाई नहीं करेंगे, अगर तुरपाई करते हैं तो हमें 3 इंच ज़्यादा लेनी होती है, लेकिन इस पर हम तुरपाई नहीं करेंगे, तो इसलिए इसमें भी हमें 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि कई बार कपड़ा तिरछा होता है या उसमें कटिंग करनी पड़ जाती है, तो वो कम ना पड़े तो बेटर होगा कि हम थोड़ा ज़्यादा ले लें। तो जैसे मुझे इसकी तैयार लंबाई 39 इंच रखनी है, तो मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 41 इंच ली है, और जो हम कुर्ती की चौड़ाई लेते हैं वो जितने हमारे हिप होते हैं, हिप का 1/4 हिस्सा + 2 इंच डबल करके उसकी हम चौड़ाई लेते हैं, यानी जैसे हमारे 36 इंच है तो 36 का 1/4 हिस्सा हमारा 9 इंच हुआ, तो उसमें हम 2 इंच और जोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा 11 इंच होता है। तो इस तरह से देखिए डबल करके 11 इंच होना चाहिए, और खोल के पूरा 22 इंच होना चाहिए इस तरह से, तो इसकी चौड़ाई हम इस तरीके से लेते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे, जैसे तीरा हमारा 7 इंच है, यानी 14 इंच है, तो उसका आधा हिस्सा हुआ 7 इंच, तो ये यहाँ पर हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और देखिए, इसके जो आर्म होल हैं यानी मुड्डे, वो हमें 7 इंच लेने हैं,
ये 34 चेस्ट के हिसाब से 7 इंच है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर दो वीडियो डाली हुई हैं जिसमें मैंने आर्म होल के बारे में और तीरे के बारे में अलग अलग वो वीडियो हैं बिल्कुल खोलकर मैंने बताया हुआ है और आप उसमें देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख लें। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से देखिए यहाँ से 7 इंच पर एक कमर के लिए निशान लगाएंगे और 14 इंच पर हिप के लिए निशान लगाएंगे। और कई बार जैसे आप छोटे चाक पहनते हैं तो जैसे छोटे पहनते हैं तो आप 14 इंच पर लगाइए, और जैसे आप थोड़े लंबे चाक पहनते हैं तो आप 13 इंच पर या 13.5 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं। और सबसे पहले देखिए हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो जैसे 34 चेस्ट है तो ये 8.5 इंच पर ये निशान लगेगा यहाँ पर। और फिर जो हमने कमर के लिए निशान लगाया है, हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, जैसे कमर हमारी 28 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 7 इंच, ये निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। और इसी तरह से हिप के लिए, हिप जैसे हमारे 36 इंच है तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। देखिए हमने ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को फिर हम इस तरह से मिला देते हैं, आप स्केल से भी मिला सकते हैं और आप इस तरह से इनको मिला सकते हैं। और देखिए उसके बाद हम अपने जो मुड्ढे हैं उनको गोलाई देंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और तब हम इनको इस तरह से गोलाई देंगे। देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान है, और कटिंग का निशान हम देखिए थोड़ा बाहर इस तरह से, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, और इस तरह से आप 1.5-2 इंच बाहर को ये निशान कटिंग के लिए लगाएंगे। और उसके बाद हम इनकी कटिंग कर देते हैं। और देखिए इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे, अगर छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर लगाइए, और अगर आप ठीक पहनते हैं तो 3 इंच पर लगाइए। देखिए यहाँ पर एक 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से करके यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सी शेप देंगे इस तरह से, मुड्ढों की साइड थोड़ी सी हम गहराई देंगे इसमें इस तरह से। देखिए पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर दिया है और अब हम आगे के मुड्ढों को गहराई देंगे। और देखिए यहाँ से बीच में से करीब आधा इंच पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी हम इतना ही रखेंगे, केवल हम बीच में से 1/2 इंच की इस तरह से हम शेप देंगे और ऊपर से भी यहीं पर रखेंगे, तो ये शेप हमारी इस तरह से आएगी और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और देखिए उसके बाद हम अपनी बाजू की कटिंग करते हैं, और जो बाजू की लंबाई है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और मैंने देखिए 19 इंच बाजू की लंबाई रखी हुई है, और जो चौड़ाई हम लेते हैं जितने हमारे मुड्ढे यानी आर्म होल होते हैं उससे हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेनी होती है, डबल करके इस तरह से। देखिए जैसे हमारे आर्म होल 7 इंच हैं तो ये हमें 8.5 इंच लेनी पड़ेगी, देखिए 8.5 इंच है इस तरह से, और बंद साइड इसके ऊपर है, ये दोनों बाजू हैं इस तरह से। और उसके बाद देखिए खुली साइड हम 3 से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, आप ये निशान 3 इंच पर भी लगा सकते हैं और 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे, मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिलाएंगे। और उसके बाद देखिए हम आगे निशान लगाएंगे, जैसे हमारी बाजू के आगे से गोलाई 11 इंच है तो उसके आधे हिस्से पर हम निशान लगाएंगे, यानी 5.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे इस तरह से, और इनको इस तरह हम मिला देंगे। और यहाँ से इस जगह से इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद देखिए हम बीच में यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे। देखिए उसके बाद हम आगे के मुड्ढों में गहराई देंगे यानी बाजू में। तो मेरे कई सब्सक्राइबर की ये प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं कि उनकी दोनों
जो आगे की जो गहराई है वो एक ही साइड की हो जाती है। तो आप देखिए इस तरह से रख के देख लें, क्योंकि हमारी एक बाजू इधर लगनी होती है, एक इधर लगनी होती है। अगर आपकी बाजू ये उल्टी है तो आप उल्टी ही रखिए, और अगर सीधी है तो सीधी रखिए, यानी दोनों बाजू हमारी एक जैसी होनी चाहिए। तो एक निशान आप इधर लगा लीजिए और एक इधर लगा लीजिए, तो ये हमें पहचान रहेगी कि हमारी आगे की बाजू है और इन हिस्सों की हम कटिंग कर देंगे। देखिए हम अपनी बाजू को खोलकर इस तरह से रख लेते हैं। ये देखिए मैंने निशान लगाए हैं, ये इधर और ये इधर, यानी ये हिस्से हमारे आगे की साइड आएंगे, और तब हम इसमें शेप दे देते हैं इस तरह से। इसमें भी हम बीच में गहराई देंगे, केवल यहाँ पर और यहाँ पर सेम रहेगा, इस तरह से करीब आधा इंच की एक गहराई देते हैं हम इसको, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और उसके बाद देखिए हम पीछे के गले की कटिंग करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है आपको कि मैं ये कुर्ती बना रही हूँ, तो कुर्ती में पीछे के गले ज़्यादा गहरे नहीं होते, लेकिन आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से गला रख सकते हैं, आप थोड़े गहरे भी रख सकते हैं। और ये देखिए ये निशान मैंने 3 इंच पर लगवाया था, लेकिन देखिए हम इसकी कटिंग थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे, थोड़े कम में, और क्योंकि इसमें बुकरम नहीं लगेगी तो ये सिलाई होकर यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये निशान लगाएंगे हम चौड़ाई के लिए, इससे थोड़ी जगह छोड़ के। और गहराई आप इसकी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 3 इंच 4 इंच जितनी आप चाहें रख सकते हैं, तो मैं 3 इंच रख रही हूँ। और हम इसको इस तरह से शेप देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए उसके बाद हम आगे के गले की कटिंग करते हैं। तो ये मैंने बुकरम ली हुई है, और डबल करके इसकी जो चौड़ाई है वो आप 4 से 4.5 इंच तक रख सकते हैं, और इसकी गहराई करीब 8 से 8.25 इंच है। तो देखिए पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे, और फिर देखिए एक निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे, और एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे, और यहाँ से भी 3 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और देखिए गले की गहराई भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और देखिए जो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया, पहले हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल 1/2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये देखिए जो 7 इंच पर ये एक निशान है, इसको इस तरह से हम मिलाएंगे ऐसे, और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो ये हमारे गले की कटिंग इस तरह से होगी, यहाँ से इस तरह से, और ये इस तरह से। और देखिए ये निशान लगाने के बाद हम 1-1 इंच की दूरी पर पूरे गले पर इस तरह से निशान लगाते चले जाएंगे। देखिए ये यहाँ तक निशान लगाने के बाद, देखिए यहाँ से ये 1 इंच है, और फिर हम यहाँ से भी इस तरह से नाप लेंगे, ये 1 इंच है, और इसको इसी शेप में हम इसी तरह से इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ से भी देखिए 1 इंच रखना है इस तरह से। और इसके बाद हम दोनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए ये गले की कटिंग करने के बाद मैंने इसको प्रेस से कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगानी पड़ेगी पूरे गले पर, थोड़ी बड़ी करके, और फिर थोड़ा बाहर बाहर से हम चारों तरफ से इस गले की कटिंग कर देते हैं इसी शेप में। और देखिए ये कटिंग करने के बाद, देखिए जहाँ पर ये हमारी गहराई है वहाँ पर हम दोनों साइड कट का निशान लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। और उसके बाद हम देखिए इसको इस तरह से चारों तरफ से यहाँ पर थोड़ी दूरी पर इस तरह से एक बड़ी सिलाई लगाएंगे, देखिए इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए किनारे से थोड़ी दूरी पर पूरे गले पर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद हम अपने गले को बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से देखिए बिल्कुल बराबर मिलाएंगे, और बीच में एक निशान लगाएंगे, और यहाँ बिल्कुल बीच में
एक कट का निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड में से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे और उसमें भी हम इसी तरह से बिल्कुल बीच में एक निशान लगाएंगे और उसमें भी यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे। और देखिए ये दोनों कट के निशान इस तरह से मिलाएंगे और ये लाइन बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए बीच में सिलाई लगाने के बाद हम अपने गले के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर में हमें सिलाई लगानी है। और थोड़ा सा देखिए इस तरह से करते रहना है ताकि झोल ना आए। देखिए गले के चारों तरफ ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसी शेप में गले की कटिंग कर देते हैं। पहले आप ये चारों तरफ से गोल कटिंग कर लीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ से उसके बाद देखिए छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे इस जगह और इस जगह, ज़रूर हमें कट के निशान लगाने हैं और हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और छोटे छोटे कट हम पूरे गले पर लगाएंगे इस तरह से। और देखिए उसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है ये दोनों साइड से हम इस तरह से इसको करेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें इस तरह से। देखिए मैंने गले पर अंदर की साइड ये तुरपाई कर दी है और आप चाहें तो ये तुरपाई बाद में भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक बड़ी सिलाई करके लगा दें। और देखिए उसके बाद हमें एक बुकरम की पट्टी काटनी होती है और उसकी चौड़ाई भी देखिए यहाँ पर ये जो हमारी ये चौड़ाई है बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए। और लंबाई जो आप उसकी रखेंगे वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी लंबाई 12 इंच रखी हुई है। देखिए इसके बाद हम इस पट्टी को बीच में से फोल्ड करते हैं नीचे की साइड से इस तरह से। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये इसकी शेप हमारी इस तरह से आ जाएगी। और देखिए इसमें हमारे रेड कलर है तो मेरे पास ये थोड़ा सा रेड कलर का कपड़ा था तो मैंने देखिए पट्टी इस कपड़े पर इस तरह से प्रेस से चिपका ली है। और ये देखिए चारों तरफ हमारा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे आपके पास कपड़ा मैचिंग का कोई नहीं है तो आप ये कपड़ा भी लगा सकते हैं और आप जो आपकी कुर्ती का कपड़ा है आप वो कपड़ा भी लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ से और यहाँ से भी हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए उसके बाद हम अपनी कुर्ती को सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और एक निशान उस पर भी हम इस तरह से बिल्कुल बीच में लगाएंगे। देखिए उसके बाद हम यहाँ से इस जगह से यहाँ से अंदर को ये कपड़ा फोल्ड करेंगे और बिल्कुल देखिए बिल्कुल बीच में इसको हम इस तरह से रखेंगे। हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी पट्टी बिल्कुल बीच में है। और देखिए जो हमारी ये इसकी नोक है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए यहाँ से। और यहाँ पर बिल्कुल बीच में हमें बड़ी करके सिलाई लगा देंगे। देखिए ये बीच में सिलाई लगाने के बाद हम इसको देखिए पहले यहाँ से इस जगह से अंदर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसको अंदर को फोल्ड करेंगे तब यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से मोड़ते हैं इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से। और देखिए ये इस तरह से हमारी ये शेप आ जाएगी। देखिए ये पट्टी हमारी इस तरह से लग जाती है। और अब हम अपनी बाजू पर देखिए पट्टी लगाएंगे, इसके ऊपर हम ब्लैक कलर की पट्टी लगाएंगे और यहाँ पर हम रेड कलर की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो चौड़ाई है मैंने 3 इंच रखी हुई है और आप इसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों बाजू के लिए हैं, सबसे पहले हम इस तरह से इसके ऊपर पहले ब्लैक पट्टी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से दोनों पट्टियों पर रेड पट्टी सील लेंगे। देखिए ये पट्टी इधर से भी उल्टी है और ये इधर से उल्टी है, यानी
दोनों सीधी साइड इनके अंदर है और तब हम इनको इस तरह से रख के सिलते हैं। देखिए इस तरह से पट्टी जोड़ने के बाद देखिए ये बाजू हमारी सीधी है और इस पट्टी को हम देखिए इस तरह से उल्टी रखेंगे, यानी उल्टी साइड में इस तरह से रख के सिलेंगे और तब हम इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह सीधी साइड को पलटने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस कर लें और देखिए इस पट्टी को आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मोड़ सकते हैं अंदर को और इस तरह से मोड़कर यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। देखिए ये इस तरह से हमारी ये बाजू तैयार हो गई है और दोनों बाजू के ऊपर इस तरह से ये पट्टी लगानी है। और देखिए मैंने ये बाजू जोड़ दी है और पूरी कुर्ती की फिटिंग कर दी है मैंने और ये पीछे का गला भी मैंने बना दिया है। और मेरे चैनल पर ये सारी वीडियोज आपको मिलेंगी। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा चैनल खोलकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये पीछे का गला बनाना भी बताया है और बाजू लगानी भी मैंने बताई है, फिटिंग करनी भी मैंने बताई है, तो ये सब आप उसमें देख सकते हो। और देखिए इसके बाद बारी आती है नीचे से मोड़ने की और चाक मोड़ने की। तो देखिए जैसा कि हमने ये आगे और पीछे के पीस बिल्कुल बराबर काटे थे तो इसमें देखिए चूंकि इसमें हमें आगे जैसे हमने बाजू में ऊपर से पट्टी लगाई है सेम तरीके से इसमें भी इस तरह से ये पट्टी लगेगी। देखिए मैंने बनाई हुई है इस तरीके से, तो ये हमारा केवल सिलाई में आधा इंच से भी थोड़ा कम जाएगा और पीछे का हिस्सा हमारा कम से कम एक इंच मोड़ने में जाएगा इस तरह से। तो फिर ये देखिए ये हिस्सा हमारा छोटा पड़ जाएगा, तो हम आगे के हिस्से को थोड़ा सा काट लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही काफ़ी लिया हुआ है इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा, जिससे कि पीछे का हिस्सा हमारा कम ना पड़े मोड़ने के बाद। तो इसकी हम थोड़ी सी इसकी इसलिए कटिंग कर देते हैं यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधी। देखिए ये मैंने आगे का हिस्सा करीब करीब 1.25 इंच मैंने इसकी कटिंग कर दिया है। तो अब जैसे हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से तो ये हमारा दोनों हिस्से हमारे बराबर आ जाएंगे और ये हमारा छोटा नहीं पड़ेगा। जैसे हमने बाजू में पट्टी लगाई थी बिल्कुल सेम तरीके से देखिए ये पट्टी हमें इस तरह से उल्टी लेनी है इसको, और उल्टी साइड में इस तरह से इसको सिलना है और सीधी साइड को इसको पलटना है। तो सबसे पहले हम ये पट्टी लगाएंगे। देखिए ये पट्टी इस तरह से लगाने के बाद इसको हम सीधी साइड को पलट के इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं ताकि इसमें सफाई आए। और इसके बाद देखिए इसको इस तरह से मोड़ के हम यहाँ पर इस पर एक सिलाई लगा देंगे जैसे हमने अपनी बाजू में लगाई थी। और इसकी पट्टी की जो रेड ये पट्टी है इसकी चौड़ाई बिल्कुल जो ये हमारी बाजू की रेड पट्टी है इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमारी ये जो पट्टी है इसकी इसकी चौड़ाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। और ये देखिए बाकी जो नीचे हमारा पीछे का हिस्सा बचता है इसको हम बिल्कुल इसी तरह से अंदर मोड़ देंगे, इसी बिल्कुल इसी के इक्वल एकदम इस तरह से। देखिए जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो देखिए इसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और बिल्कुल इसको देखिए ऐसे सीधे करके रखना है ताकि इसमें झोल ना आए। और अगर आप देखिए डायरेक्ट सिलाई नहीं लगा सकते मशीन से तो बेटर होगा आप पहले सुई से कच्चा कर लें इस तरह से। और देखिए बीच बीच में आप इस तरह से सीधा करते रहें। देखिए ये मैंने आगे से इस पट्टी को भी मोड़ दिया है और देखिए पीछे का हिस्सा भी मैंने मोड़ दिया है। और अब मैं आपको चाक बनाने बता रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर को चाक बनाने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। और देखिए उसके बाद सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेते हैं। देखिए कुर्ती को उल्टा करने के बाद हम देखिए इस तरह से इसको पलटते हैं और यहाँ तक देखिए ये हमारी यहाँ से हमारे चाक मुड़ने शुरू होंगे, यहाँ तक ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। तो हमें क्या करना होता है देखिए, अगर आप नीचे से थोड़े चौड़े पल्ले पहनते हैं तो आप ये निशान थोड़ा तिरछा करके लगाइए और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिए इस तरह से। और आप दोनों साइड देखिए ये जो हमारी सिलाई है यहाँ यहाँ से लेके बिल्कुल सीधा निशान लगाइए एकदम
आप इसको स्केल की सहायता से भी कर सकते हैं और दोनों साइड आपको इसी तरह से ये निशान बिल्कुल सीधे लगाने हैं। देखिए ये दोनों साइड ये निशान लगाने के बाद हम इनको डार्क कर लेते हैं और उसके बाद देखिए अपने दूसरे हिस्से को बिल्कुल सीधा इस पर कर देंगे इस तरह से और इनको इस तरह से थपथपाएंगे तो ये निशान हमारे दूसरी साइड भी आ जाते हैं। देखिए इस तरह से इनको थोड़ा डार्क कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से ये हमारे दोनों हिस्सों पर बिल्कुल इक्वल निशान आ जाते हैं और हमें इन्हीं निशानों के ऊपर देखिए इसी तरह से दोनों साइड से इनको मोड़ना है इस तरह से और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बिल्कुल ये एकदम सीधे आएंगे दोनों हिस्से। तो आप इस तरह से देखिए इस तरह से आप इनको मोड़िए दोनों साइड से, मैं थोड़ा सा आपको करके बताऊंगी। देखिए पहले एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर देखिए ये जो हमारा निशान है ये बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से आएगा और तब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और देखिए इसको हम इस तरह से बिल्कुल इसी निशान पर मोड़ते हुए चले जाएंगे, देखिए इस तरह से। और देखिए जब हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए जहाँ हमारे चाक शुरू होते हैं हम ये सिलाई यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लाएंगे इस तरह से हल्का सा, फिर मशीन उठाएंगे और इसको दूसरी साइड लाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको करना है और देखिए ये हमारा जो निशान है इसको भी हमें इसी तरह से मोड़ना है बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पर ये सिलाई हम देखिए इस साइड ले आएंगे इस तरह से और सेम तरीके से इसको भी हम मोड़ते चले जाएंगे इसी निशान पर, देखिए इस तरह से। और देखिए ये इस तरह से हमारे चाक बिल्कुल एकदम इक्वल मुड़ते हैं, बिल्कुल सही इस तरीके से हमारे चाक बनते हैं और आप अपने चाक इसी तरह से बनाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बिल्कुल बराबर है ये दोनों साइड से। और देखिए यहाँ पर आप कोई भी फैंसी बटन लगा सकते हैं या कपड़े के आप मैचिंग बटन भी लगा सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से देखिए ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है और इसमें मैंने बटन लगा दिए हैं। और इस तरह से आप अपनी पसंद के फैब्रिक और कलर से अपने घर पर बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल कुर्ती तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।